निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके लिए गठित टीम ने 26 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए दुकानदारों से 16,100 रुपए जुर्माना वसूला। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने टीम का गठन किया है। टीम गठित होते ही प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। प्रत्येक जोन क्षेत्र में अलग अलग स्थानों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। टीम द्वारा 26 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 16,100 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। दल में शामिल अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर अभियान लगातार जारी रहेगा, साथ ही जरूरत पड़ने पर इस कार्य में संलग्न लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।